ब्रिटिश काल में भारतीय भू राजस्व व्यवस्था के बारे में हम लोग देखेंगे, किस प्रकार अंग्रेजों ने भू राजस्व के माध्यम से भारतीय किसानों का खासकर शोषण किया, पूरी तरीके ध्वस्त कर दिया अपने हितों को, अंग्रेजों के भू राजस्व की नीतियां, इजारा व्यवस्था। क्लियर है? तो हम संक्षेप बोली द्वारा को भू राजस्व का अधिकार दिया जाता, लेकिन इसमें भी वर्ष कर दिया, इससे नहीं चल पाया। के नद जो माना 1792 ब्रिटिश लगभग कितना परसेंट इस भूरा इस भूरा जो संस्था में ये क्षेत्र आते थे, हैं बीच में जमींदार रहेगा, किसानों थे जो निर्धारित रकम तैयार की, लेकिन वो निश्चित रकम देने जितना भी किसानों से किसान का शोषण होता और अंग्रेजों को लगा करके क्या कर दिया, तनाव छीना गया अधिकार का। ये जमींदार इस टारगेट के साथ वापस ले लिया, लिखिए इसमें पहले 5 साल के शासन को भी समाप्त के बारे में बैठे बिहार मद्रास था बनारस में जमींदार को खेतदार द्वारा टारगेट पूरा जमींदार 1793 शुरू हुई 1792 में मद्रास के 12 में और समर्थन दिया था, कह सकते हो 19वीं मुन्रो ने भी शुरू लाल कर्नाटक पूर्व का तरीका कितना बढ़िया जो पूर्व रही है। ठीक है, अब इसमें चूली की छुट्टी और राहत नहीं दी गई, विद्रोह किया सामूहिक रूप से वसूली करना, मतलब भी महल कहा गया कि जो वसूली कर 1819 में हार्ट मैकेंजी क्षेत्र था पश्चिमी यूपी आ जाए तो महल का अर्थ है गांव का मुखिया था, तो किसानों का ये जो तो सामूहिक रूप से ये चल ज्यादा कमाई तरीके से स...
सामूहिक रूप से संजादा करते थे, तब बीच ठीक है। तो ये आपकी भू राजस्व 19% 51% कौन है, स्थायी बंदो कौन है, 30 कौन है, माल क्लियर। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कार्य संस्कृत।